दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स हेल्पलाइन चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप देख पाए वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आज हम आपको ग्रेट इंडियन प्लेयर सीरीज में दिखाएंगे एक ऐसे भारतीय महान खिलाड़ी की कहानी जिसने बैडमिंटन की दुनिया में खूब नाम कमाया और अपने बहुत ही कम उम्र में काफी उतार चढ़ाव देखे। आज हम आपको सैयद मोदी बैडमिंटन के खिलाड़ी की कहानी सुनाएंगे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सरदार नगर के एक मुस्लिम परिवार में 31 दिसंबर 1962 को जन्मे सैयद मेहंदी। घर में सभी भाई बहनों में सबसे छोटे होने के कारण सैयद मेहंदी को सब प्यार से बबुआ के नाम से बुलाने लगे। स्कूल में दाखिले के दौरान गलती से सैयद मेहंदी की जगह सैयद मोदी नाम लिख गया, जिसके बाद सैयद मेहंदी को सैयद मोदी के नाम से जाना जाने लगा। सैयद के पिता एक मिल में वर्कर थे और माता गृहिणी थी। सैयद के परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, जिसके कारण सैयद के बड़े भाइयों को काम करना पड़ा और पिता को आर्थिक सहायता देनी पड़ी। सैयद बचपन से ही बैडमिंटन खेलना पसंद करते थे। सैयद के अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाते हुए उन्होंने जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। यह उनकी मां के लिए बेहद भावुक पल था जब उन्होंने अपने बेटे का नाम पहली बार रेडियो पर सुना। उनकी मां ने अपने बड़े बेटे से कहा कि सैयद की ट्रेनिंग में कभी कोई कमी ना आए। 1980 में सैयद ने पहली बार नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता और 1980 से लेकर 1987 तक लगातार 8 बार नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। 1981 में सैयद को अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया। 1982 में सैयद को एशियन गेम में ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। 1982 में कॉमनवेल्थ गेम में सैयद ने मैन सिंगल्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। 1983 में और 1984 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी जीती। सैयद ने अमिता कुलकर्णी नाम की एक लड़की से शादी करी जो कभी एक बैडमिंटन प्लेयर रह चुकी थी। सैयद की पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था, जिसकी वजह से सैयद और उसके रिश्ते में दरार आ गई और सैयद और उसकी पत्नी का रिश्ता फीका पड़ गया। इसी बीच सन 1988 में पहली बार सैयद ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हारी, जिसके बाद 28 जुलाई 1988 को मात्र 26 साल की उम्र में सैयद को केडी बाबू सिंह स्टेडियम लखनऊ के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस दिन न केवल हमने एक खिलाड़ी बल्कि भारत का एक महान खिलाड़ी खो दिया। दोस्तों ऐसी और भी अन्य महान खिलाड़ियों की गाथाओं के साथ हम फिर से लौटेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स हेल्पलाइन। धन्यवाद।